नमस्ते, सत श्री अकाल आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं होप करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। सुनाओ, आज का व्लॉग आ गया जिसमें हम आपको बताएंगे कि दुबई में रहने के फ़ायदे और नुकसान। क्या दुबई में रहना आपका ठीक है या नहीं है? दुबई में रहने का क्या बेस्ट स्कोप है? सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। उससे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दिया करो, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके बता दिया करो वीडियो कैसी लगी। अच्छा, उससे पहले ना मैं एक बात करना चाहूँगा। मेरे को एक बंदे का ना कमेंट आया, तो भाई आप हिंदी या पंजाबी बीच में इंग्लिश में बात कर रहे हो ना। देखो भाई, मेरा सिस्टम है ऐसे ही, मैं कोशिश करता हूँ कि हर बंदे को सेटिस्फाई करूँ, ठीक है। अगर आपको नहीं अच्छा लगता मेरी वीडियो देखना, आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेरे में ना तो कोई कटिंग होती है, ना मेरे को कोई फेम बनाने की ज़रूरत है, ना मेरे को कुछ ऐसा कोई इशू नहीं है। ऑर्गेनिक वीडियो बनाता हूँ, जो मैंने ऑब्जर्व किया और एज़ पर माई एक्सपीरियंस, ठीक है ना, अपने एक्सपीरियंस को लेके मैं वीडियो बनाता हूँ जो मुझे सही लगता है। और हर बंदे को मैं यही चीज़ बोलता हूँ, ये सिर्फ एक बंदे के लिए नहीं है। मैं वीडियो बनाता हूँ सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे मैं शेयर करता हूँ। क्यों शेयर करता हूँ? बिकॉज ऑफ जो मैंने यहाँ पे धक्के खाए हैं, या जो मैंने हार्डवर्क किया है, या लोगों को देखता हूँ हार्डवर्क करते हुए, वो आप लोग ना करो। आप आने से पहले मेरी वीडियो देखो, और जो मैं आपको इंस्ट्रक्शन देता हूँ उससे आपको जानकारी हो, और जो मैं सजेशन देता हूँ उसको आप फॉलो करो, ठीक है। तो भाई मेरे, अगर कोई दिक्कत है मेरी वीडियो से, सब्सक्राइब कर दो या मेरे वीडियो को स्किप कर दिया करो। मैं अपनी तरफ से कोशिश पूरी करता हूँ कि आपको सेटिस्फाई कर सकूँ। बिकॉज ऑफ आपको खुद को होना चाहिए कि मैं एज ए सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में होके 12 घंटे हमारी जॉब है, 12 घंटे के बाद इतनी हिम्मत नहीं होती खुद खाना बना सके हम, ठीक है। एक घंटे की ट्रैवलिंग जाने की, एक घंटे आने की, तो यार खुद सोचो, हम टाइम निकाल के, या चोरी लगा लो, चोरी टाइम निकाल के हम वीडियो बनाते हैं, उसको अपडेट करते हैं, तो आपको पता है इसके बाद सेटिंग करनी होती है, या यूट्यूब ब्लॉग को अपडेट करना होता है। तो यार हार्ड वर्क है भाई, बहुत हार्ड वर्क है, आसान नहीं है। बंदा कहता है ब्लॉग बनाया यार, चल बढ़िया है, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है भाई। टाइम लगता है हर चीज़ को, हर चीज़ में मेहनत है, ठीक है। सो भाई रिक्वेस्ट है, अगर कोई दिक्कत है किसी को तो स्किप कर दिया करो, ठीक है। तो हाँ जी, चलो जी, आज का ब्लॉग शुरू कर दें, गल्ला होती रहनी, ठीक है, बातें होती रहेंगी। सुनाओ, आज मैं आपको बताऊंगा व्लॉग में दुबई में रहने के फ़ायदे और नुकसान, दुबई हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद है और कितने नुकसानदायक है। सो पहले कहाँ से शुरू करें, ऐसा करते हैं पहले ना। हाँ जी, तो भाई बीच में फ़ोन आ गया। सुनाओ, अभी हम पहले यार फ़ायदे बताते हैं ना, फ़ायदे ज़्यादा अच्छा है। तो मेरा मतलब ये मकसद नहीं है कि मैं किसी को डीमोटिवेट करूँगा, या मैं किसी को ऐसा कुछ नहीं है। वैसे मैं तो मोटिवेट करता हूँ भाई, एक बार ज़रूर आओ, अपने आप को चांस दो, ठीक है। तो कुछ बातें होती हैं जो वीडियो बनाते टाइम यार कुछ बातें नहीं याद रहती, तो मैं कुछ बातें लिख लेता हूँ। सबसे पहले तो ये फ़ायदा ये है कि इजी वीज़ा प्रोसेस है। मतलब लाइक अगर आप विजिट वीज़ा पे आते हो, 2 या 3 दिन में वीज़ा आ जाता है, एक हफ्ते के अंदर अंदर आप यहाँ पे आ सकते हो, है ना। और उसकी कॉस्ट कम है, दूसरा ये फ़ायदा है, कॉस्ट कम है वीज़ा की। अगर आप विजिट वीज़ा पे आते हो तो 6-7 हज़ार का खर्चा है एक महीने का। अगर आप 3 महीने का वीज़ा लेते हो, अप्रोक्स 18 हज़ार दरहम्स का खर्चा है, ठीक है ना, 3 महीने के वीज़ा में। सिंगल एंट्री वीज़ा होता है वो। अगर आप मल्टीपल एंट्री लेते हो तो अप्रोक्स 35-40 हज़ार का खर्चा है, इंडियन रुपीज़ की बात कर रहा हूँ ब्रदर मैं, ठीक है ना। तो मेरे जो भाई बहन देख रहे हैं, मैं बता दूँ, मैं इंडियन रुपीज़ की बात कर रहा हूँ। दूसरा फ़ायदा ये है कि यहाँ पर आना आसान है। बंदा ये अभी 3-4 घंटे की फ़्लाइट है, यहाँ पर आए बंदा। और अगर आप यहाँ पर विजिट वीज़ा पर भी आते हो, थोड़े बहुत स्किल्स हैं आपके पास किसी लाइन के, ठीक है, तो आपको जॉब मिलने के चांस है। फिलहाल तो जॉब की रिक्वायरमेंट नहीं है, पर अगर आप छोटे लेवल की कोई लेवल की भी मैं बात भी अगर ना करूँ, तो अगर आपको क्लीनर बेस पे आता है, या कोई ऐसी लाइक ऐसी कोई लाइन में आता है, या कोई लेबर में आता है, तो ईजिली मिल जाएगी, कोई इशू नहीं होगा। उसके बाद एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, यहाँ पे एक प्रोविजन पीरियड होता है 6 महीने का। आपको अगर नई कंपनी अच्छी लग रही या कुछ ऐसा इशू है, तो आप 6 महीने काम करो, उसके बाद कंपनी चेंज कर सकते हो, आप रिज़ाइन दे सकते हो, रिज़ाइन दे के आप वापस जा सकते हो, आगे जाना आगे जा सकते हो, कोई और कंपनी में काम करना कर सकते हो। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है यहाँ का, जो मुझे अच्छा लगा। और उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे क्राइम फ्री कंट्री है भाई, ये तो सही है, यूएई क्राइम फ्री कंट्री है। और यूएई में बात करूँ अगर मैं दुबई की, दुबई क्राइम फ्री कंट्री है, ठीक है ना, कोई ज़्यादा इशू नहीं है। यहाँ पे लड़के इंडिपेंडेंट है, लड़के की बंदा इंडिपेंडेंट है, और कोई किसी से कोई ज़्यादा मतलब नहीं रखता, जो कि बहुत अच्छी बात है। और सेकंड इज़ यहाँ पे मतलब लाइक यहाँ पे ना रिस्ट्रिक्शंस बहुत हैं, यहाँ पे रूल्स और रेगुलेशंस को बहुत फॉलो करते हैं लोग,
बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो पेनल्टी है बहुत हाई लेवल पे है, जो कि फायदा है, ठीक है, बिकॉज हर बंदा डरता है, ठीक है ना, कहीं हमें चलान ना मिल जाए, कोई टिकट ना हमारी को काट ले, तो इसलिए ना बंदा लिमिट में रहता है। और यहाँ पे ना हमारी कंट्रियों की तरह ना ऐसा कुछ नहीं है कि लड़की की सुनवाई होती है लड़के की, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हर बंदे की सुनी जाती है भाई, हर बंदे की और हर लड़की की। जो बंदा गलत है या जो लड़की गलत है ना, सिर्फ टिकट उसी को मिलेगी, ये नहीं है कि वो लड़की है उसकी पहले प्रायोरिटी दोगे, नहीं, दोनों तरफ से स्टेटमेंट ली जाती है, जो बंदा गलत है उसके टिकट लगती है, ठीक है, टिकट मतलब चलान होता है उसका। तो ये एक बेनिफिट है। और इसके बाद एक स्पेशली स्पेशली बेनिफिट बताता हूँ यहाँ का, दुबई यूएई की मैं बात करूँ, यूएई में मेनली मैं बात करूँ, दुबई या यूएई, सॉरी दुबई या अबू धाबी, ये एक बेस्ट प्लेटफॉर्म सिटीज़ है, बेस्ट प्लेटफॉर्म। मिडल ईस्ट की यूएई कंट्री में दो सिटीज़ हैं, अबू धाबी मेनली और दुबई, 7 सिटीज़ में से 2 सिटीज़ ऐसी हैं ना जो एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है आगे जाने के लिए। यार देखो, यहाँ पे बाइक का लाइसेंस बनवाओ, माल्टा यूरोप निकल जाओ, ट्रक का लाइसेंस बनवाओ कोई और कंट्री में, ट्रक ड्राइवर यहाँ का वीज़ा लेके, एक्सपीरियंस लेके, उसका भी है प्रोसेस। तो अगर कोई आप कार का लाइसेंस बनवाते हो, यहाँ पे पैसा है कार में, ठीक है ना, सिक्योरिटी गार्ड से बंदा ज़्यादा 3-4 हज़ार बंदा आराम से अर्न कर रहा है, ठीक है, और भी बेनिफिट है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप शॉवल का बनवाते हो फिर भी आप यूरोप वाली साइड जा सकते हो, बहुत सारे बेनिफिट हैं यार। सिक्योरिटी गार्ड का लाइसेंस बनवाते हो आप फिर भी माल्टा का स्कोप है यहाँ का, यूरोप से बहुत सारी कंपनियाँ यहाँ पे काम करती हैं, ठीक है, तो जो कि बहुत बड़ा एडवांटेज है, ठीक है, यहाँ पे रहने वाले लोगों को या उन लोगों को जो बंदे आगे जाना चाहते हैं, ठीक है। सो मेरे को तो इस मामले में बहुत अच्छी लगी। तो इसके अलावा अगर हम नुकसान के बारे में बात करें, नुकसान भी बहुत है, ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ का खाना है ना, खाना कुछ ऐसा है, हर बंदे किसी ना किसी बंदे को कोई ना कोई बीमारी लगी हुई है, ठीक है। तो मेरा ये नहीं मकसद मैं आपको डिग्रेड कर रहा हूँ या मैं डिमोटिवेट कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो बिकॉज ऑफ साल्टेड वाटर है, समुंदर का पानी है जिसको ये प्योरीफाई करते हैं। और उसके बाद दूसरा जो डिसएडवांटेज है वो है हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर का यहाँ पे बहुत बड़ा इशू है, बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर तो है ही है। और उसके साथ एक एग्जांपल बताता हूँ, आप नहा के बाहर निकलोगे भाई पसीना आ जाएगा मतलब इतनी ह्यूमिडिटी है यहाँ पे, इतनी इतना ज़्यादा ना, मतलब बुरा हाल है। तो ये नहीं है चलो हर जगह एसी लगे हैं, ये भी फायदा है, ये भी गवर्नमेंट ने बहुत सर्विसेज अच्छी मतलब फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है, पर लेकिन फील्ड वाला बंदा तो एक बार पागल हो जाएगा, बाइक राइडर एक बार तो बंदा पागल हो जाएगा भाई, ठीक है। लैंग्वेज का इशू है, थोड़ी बहुत आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है, अगर आप पाम जो मेरा या इस साइड चले गए तो सिर्फ हिंदी या पंजाबी से नहीं सरेगा, तो या कोई अदर लैंग्वेज से नहीं सरेगा, थोड़ा बहुत आपको इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए, कम से कम अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए कहता हूँ कोई ना कोई स्किल्ड लेके आया करो आप अपने साथ। फ्रोजन फूड है, चिकन की वैलिडिटी देखोगे 6 महीने की होगी, दूध की वैलिडिटी देखोगे 6 महीने की होगी, केमिकल डाल के उसको फ्रोजन किया जाता है ताकि वो ख़राब ना हो, ठीक है। ऑफकोर्स अगर कोई फ्रोजन फूड खाओगे तो उससे कोई ना कोई इशू होने या जॉइंट पेन वगैरह लगी रहेगी, ठीक है। तो एक सबसे बड़ा मसला यूएई का, यूएई नहीं मैं मिडिल ईस्ट की भी बात कर लेता हूँ, तो पीआर नहीं है भाई, जितनी देर आपका वीज़ा एक्सटेंड होता रहेगा उतनी देर रही जाओ यहाँ पे, जो लोग पिछले 30 साल से रह गए उनको भी पीआर नहीं लगी अभी तक, ना आगे कभी लगनी है, ठीक है। तो पीआर नहीं है ब्रदर यहाँ पे, यहाँ पे सिर्फ आप वीज़ा एक्सटेंड कराई जाओ रही जाओ, एक्सटेंड कराई जाओ रही जाओ, जब तक कंपनी लगवा रही है आपका वीज़ा, आप काम कर रहे हो, आप जब तक रह रहे हो उसके बाद आप वीज़ा फिर से रिन्यू करवाओ, ठीक है, तभी आप रह सकते हो। उसके बाद 1 महीने का प्रोसेस होता है वीज़ा एक्सपायर होने के बाद, उसके अंदर अंदर वीज़ा आपको रिन्यू करवाना पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद लाइक एक सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज लगा लो या एडवांटेज लगा लो जो भी है, तो मैं उसके बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ, रूल्स। रूल्स इतने यहाँ पे स्ट्रिक्ट है ना, तो हर बंदे के बस की बात नहीं, स्पेशली अपने पंजाबी बंदे इंडिया या पाकिस्तान के हुए, ठीक है। तो
भाई बहुत हाई लेवल के यहाँ पे रूल्स, एक 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 पॉइंट को नोट करते हैं। हर रोड पे ना, हर जगह पे रडार कैमरास लगे हुए हैं, रडार। ठीक है, जिस बंदे को तो पता है वो तो ठीक है, जिसको नहीं पता उसका मैं बता देता हूँ, दूर से ही आपको कैच कर लेंगे आपकी गाड़ी को, क्या कितनी स्पीड है। स्पीड स्पेशली मैं आपका अपना बताऊं, आज से एक एक से 1.5 साल पहले मेरा एक चलान हुआ था, मेरे को टिकट मिली थी 200 दिरहम की। लाइक यहाँ पे ना बटन पुश करके जाना होता है, रोड क्रॉस करनी होती है जेबरा क्रॉसिंग पे। मैंने पुश कर दिया, ग्रीन लाइट होगी। मैं ना जेबरा क्रॉसिंग पे नहीं जा रहा, मैं नया था, मेरे को ज़्यादा नहीं पता था। चलो मैं रोड क्रॉस कर रहा हूँ, पर जेबरा क्रॉसिंग पे नहीं कर रहा था मैं। आगे पुलिस वाला खड़ा था, उसने रोक लिया और 220 दिरहम की मेरे को टिकट दे दी। वो कह रहा आपको 5 फुट चौड़ी जगह दी हुई है जेबरा क्रॉसिंग की, आप उस पर नहीं जा रहे, आप बाहर जा रहे हो उससे। तो मैंने सॉरी बोला, अपोलोजाइज किया, पर नहीं भाई। वो कह रहे खली बली, ठीक है ना, फाइन मिलेगा, टिकट मिलेगी। वो दिन और आज का दिन भाई 4 वर्ष हो गए मैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग में हूँ ना तो ऐसा होता है मेरे साथ। ठीक है, अच्छा एक चीज़ हो रहा है अभी यहाँ पे, जो आप एक्सपेक्ट करते हो ना सैलरी बहुत होगी यार, बंदा वहाँ पे ऐसे काम कर रहा है, लाख लाख रुपया बंदा छाप रहा होगा इंडिया का, ऐसा भाई कुछ नहीं है। ठीक है ना, अगर आप लेबर बेस पे आते हो 20 से 25 हज़ार, सिक्योरिटी बेस पे आते हो 40 से 50 हज़ार। अगर आप कोई और अच्छी और मतलब लाइक अगर आप अबू धाबी में आते हो एज अ सिक्योरिटी गार्ड बेस पे, तो वहाँ पे अप्रोक्स होगा 60 हज़ार। ठीक है, तो ऐसा ही है, बाकी डिपेंड करता है, जैसे जैसे आपकी पोस्ट बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी। ठीक है, अगर सैलरी है तो खर्चे भी बहुत है, ये मत समझ लेना कि हम यहाँ पे बैठे हैं तो भाई बंदा लाखों छाप रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो खर्चे हैं भाई, खर्चे बहुत हैं। ठीक है ना, बिहाइंड द सीन खर्चे बहुत हैं। ठीक है ना, हर चीज़ महंगी है यहाँ पे स्पेशली। एक सबसे बड़ा एक और नुकसान बताता हूँ, मेडिकल बहुत महंगा है, हद से ज़्यादा। मैंने पिछली वीडियो में जैसे बताया हुआ है, हद से ज़्यादा मेडिकल महंगा है। जो आपको मेडिसिन वहाँ पे मिलती है ना इंडिया में, 5 रुपये, 10 रुपये या 20 रुपये, 100 रुपये की, यहाँ पे ऐसा नहीं है भाई। यहाँ पे जो मेडिसिन ही शुरू होती है ना, वो कम से कम 500 1000, 1500 2000 से। डॉक्टर को मिलना है, एक सिंपल डॉक्टर को भी मिलना है ना, अगर आपकी इंश्योरेंस नहीं है तो 2400 से 2500 रुपये लेता है सिंपल। 120 ग्राम या 100 ग्राम उसकी फीस होगी। तो सिंपल एक अपॉइंटमेंट या कुछ डिस्कस करना है, या कुछ मेडिसिन वगैरह लिखवानी है, या कोई आपके पेन है। ठीक है, अगर आपका इंश्योरेंस नहीं है तो फिर तो भाई हो गया आपका काम, बहुत मुश्किल है। ठीक है, मेडिसिन भी बहुत कॉस्टली है। तो ये सारे थे मतलब यहाँ पे नुकसान। पर लेकिन मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि आप मत आओ, आओ यार जरूर, मैं ये नहीं कहता। एक बार खुद को मौका जरूर दो यहाँ पे आके। एक जो बंदा ना 1 से 2 साल दुबई में लगा गया, वो दुनिया में कहीं भी रह सकता है तो भाई इतना हार्ड वर्क है, गर्मी है, गर्मी में काम करना बहुत मुश्किल है, सही हैवी टेम्परेचर। मैं ना सल्यूट करता हूँ उन बंदों को जो लेबर लेबर बेस पे यहाँ पे आते हैं और लेबर का काम करते हैं इतनी गर्मी में, वो भी स्पेशली रमजान के दिनों में। अभी रमादान चल रहे हैं यहाँ पे, रियली यार, रियली आई अप्रिशिएट यू यार। सो नाउ ये थी आज की वीडियो भाई। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ठीक है, वीडियो को कर दो लाइक, और अपना सजेशन दो कि नेक्स्ट वीडियो हम किस चीज़ के रिगार्डिंग डालें। ठीक है जी, आज के लिए इतनी, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।